अहमदाबाद गोनामऊ से ही एक मुफ्त समाधान योजना का दिखने लगा असर। कार्यालय में उपभोक्ताओं की भीड़ जुटने लगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना काफी राहत भरी देखने को मिल रही है। 8 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलने वाली यह योजना का असर उपखंड अधिकारी विद्युत कार्यालय अहमदाबाद गोना में गुरुवार को देखने को मिली। यहां विद्युत बिल मीटर आदि समस्या को लेकर लोग अधिकारी से मिलकर ठीक करा रहे थे। तत्पश्चात एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस से लाभान्वित हो रहे हैं। विद्युत एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन से बिजली भार के घरेलू वाणिज्यिक निजी संस्थाएं निजी नलकूप एवं औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं बिजली चोरी के प्रकरणों जुर्माने की राशि में छूट दिए जाने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत हो चुकी है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक शासन की ओर से राशि में छूट दी जा रही है। उपभोक्ता बिजली बिल को किस्तों में भी जमा करके छूट पा सकता है। योजना जल्दी आओ ज्यादा पाओ के तहत लागू की गई। उन्होंने पावर लूम बुनकरों के बिलों की जानकारी के लिए बताया कि जिन बुनकरों का पावर लूम बिल बकाया है उनका भी ब्याज माफ किया जाएगा। ऐसे लोग तत्काल योजना का लाभ उठाएं। कहा कि पावर लूम के कनेक्शन से घरेलू विद्युत उपयोग कदापि नहीं हो सकता है। अब तक जितने भी बुनकरों ने घरेलू बिजली का कनेक्शन नहीं लिया वे लोग तत्काल कनेक्शन ले लें। यदि विद्युत चेकिंग अभियान में पकड़े जाने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया कि जिन बुनकरों के पावर लूम कनेक्शन में लोड बढ़ाना है या नया पावर लूम कनेक्शन लेना है तो उनकी लोग जिला मुख्यालय स्थित हथकरघा विभाग से स्वीकृति लेनी होगी। उसके बाद ही लोड बढ़ेगा या नया कनेक्शन दिया जाएगा। बताया कि जो बुनकर 4 किलोवाट के उपभोक्ता हैं वे लोग अपने पावर लूम कारखाने में सिंगल फेस के केबल का उपयोग करें। जो बुनकर 4 किलोवाट से अधिक उपभोक्ता हैं वे लोग 3 फेस केबल का उपयोग कर सकते हैं। प्रायः देखने को मिल रहा है कि उनके जिनके पास 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का ही कनेक्शन है ऐसे लोग भी 3 फेस केबल का उपयोग कर रहे हैं जो कि विद्युत अधिनियम यह गलत है। ऐसे लोगों को अपनी केबल तुरंत बदलना होगा। अहमदाबाद गोना से मोनू भारती की रिपोर्ट। विभाग में जो बता रहे हैं ऐसा नहीं है। हथकरघा विभाग के हमने कैंप भी लगवाया था यहाँ पे। हथकरघा विभाग के प्रतिनिधि लोग आए थे, अपना बताए भी हैं उनको कहने कि आप अपना लोड भी बढ़ा सकते हैं, आप अपना कनेक्शन भी ले सकते हैं। नया कनेक्शन लोन के लेने के लिए भी आपको हथकरघा विभाग से ही वेरीफाई करा के लाना पड़ेगा कि हमारे पास इतना लोन है। जी जी। और साथ ही साथ जो भी उपभोक्ता 4 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं लोन के उनको सिंगल फेज का कनेक्शन होना चाहिए। अत्यधिक 3 फेज के कनेक्शन लिए हुए लोग हैं उनको अपनी केबल बदलवा के सिंगल फेज केबल कर लेनी चाहिए। और जो 5 किलोवाट से ऊपर है उनको 3 फेज का कनेक्शन होना चाहिए। 3 फेज की केबल दी जाएगी, 3 फेज का कनेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रायः देखा जा रहा है कि जितने भी 4 किलोवाट 3 किलोवाट 2 किलोवाट के उपभोक्ता या 1 किलोवाट के भी हैं वो भी 3 फेज का केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना केबल बदलवा लें। सर, आपके जांच अभियान से बुनकरों में काफी डर दहशत है केबिल काट लेना, मतलब ये कि जिसे काफी लोग दरवाजा बंद करके इधर उधर चले जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, इसमें किसी बात की डरने की आवश्यकता नहीं है। जी, आप सही हैं, हम आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं, आपको बताने के लिए बैठे हैं। जी, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। जी, उनको हो सकता है अज्ञानता में उनको पता ना हो कि क्या क्या चीजें सही है क्या नहीं है, उसके बारे में स्पष्ट हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे उनको। जैसे सर कि कुछ लोगों का मतलब है कि हमसे मतलब उन लोग शेयर किए कि अगर मतलब मुलाकात हो जाती है तो कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकल जाती है, जबकि मतलब कि भाई थोड़ा बहुत कुछ अगर 19-20 है तो थोड़ा विभाग को नज़रअंदाज करना चाहिए। जना मतलब हम लोग बुनकर हैं, बुनकर मजदूर हैं, गरीब हैं, अभी मंदी का शिकार हैं हम लोग, काफ़ी हम लोग का धंधा जो है मंदा चल रहा है, इसमें थोड़ा सा विभाग को जो है हम लोगों को जो है सहयोग करना चाहिए। हम तो विभाग का और जियो ऑर्डर का ही पालन कर रहे हैं। जी जी, डीएम साहब का निर्देश है जी कि जो अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या अनियमितता कर रहे हैं जिससे कि राजस्व वसूली में हमारी कमी आ रही है और 50% से ज्यादा लॉस में जा रहा है। जी जी जी, बिजली उसको रोकने के लिए हमको काम करना पड़ेगा और उसका सहयोग बुनकरों को भी करना चाहिए। जी जी जी, हम उनके साथ हैं जी, उनको सही राह पे लाना है। अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो वो चीज सुधारने के लिए हम कहते हैं। नहीं तो सर, इसमें उनका ये है कि भाई एक आध बार कम से कम चेतावनी दे दीजिए, वार्निंग दे दीजिए, उसके बाद तो फिर मान लीजिए जिसे जो विधिक कार्रवाई है चाहे केबिल काटने या तो पहली बार ही जांच में जो है पता चलता है केबिल काट ली जाती है या फिर जो FIR हो जाता है। आग्रह है कि उनके घर पे जब हम लोग जाते हैं और उनसे पेपर मांगते हैं तो अक्सर वो लोग कहते हैं कि हमारे पेपर किसी और के पास है, हमारा पासबुक किसी और के पास है। तो पासबुक अपने घर पर रखेंगे जिससे सर्टिफाई हो सके कि हाँ उनका कनेक्शन है। एक समस्या ये है, वो ताला बंद करके बाहर घूमेंगे हमारे साथी
तो उससे उनका भला होना नहीं है, कंफ्यूजन होता है, व्यक्ति से पूछा जाता है कि ये घर किसका है, तो उससे बताते नहीं है लोग, लेकिन वो बताएं हमें कि ये कनेक्शन हमारा है, छोटी मोटी त्रुटियाँ आदमी को सुधारने का मौका देते हैं, लेकिन अगर जानबूझ के व्यक्ति कनेक्शन को दुरुपयोग करता है तो वो हमारा ही नहीं, देश का भी नुकसान कर रहा है।